नमस्कार, मैं राणा यशवंत द फ्रंट पर आपका स्वागत करता हूं। गोवा के राज्यपाल सतपाल मलिक का बयान इन दिनों सोशल मीडिया में चर्चा में है और बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके बयान की तारीफ कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सतपाल मलिक ने बहुत खुल करके अपने दिल की बात रखी है और बहुत खरी बात है। सतपाल मलिक ने देश के जो उद्योगपति हैं, मालदार लोग हैं, उन पर सवाल उठाया है कि ये लोग इसी देश में कमाते हैं, इतना पैसा बनाते हैं, लेकिन जब सैनिकों के लिए करने की बात आती है तो फूटी कौड़ी भी उनकी जेब से नहीं निकलती है। बयान पहले सुनिए और इस बयान के बाद चर्चा में इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि सिर्फ बात सैनिकों की नहीं है, बात देश में उन तमाम लोगों की है जो करोड़ों की तादाद में हैं, ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं, और उनको थोड़ी मदद कर दी जाए तो फिर उनके लिए बहुत कुछ आसान हो जाता है और देश के लिए भी बहुत सारी संभावनाएं खुल जाती हैं। पहले सतपाल मलिक, आपके देश में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास 14-14 मंजिल के मकान हैं, एक मंजिल में कुत्ते रहते हैं, एक में ड्राइवर रहते हैं, एक में कोई और रहता है, लेकिन एक पैसा भी चैरिटी नहीं करते हिंदुस्तान की फौज के लिए। हिंदुस्तान के फौजियों की जिस दिन अर्थी आती है उस दिन सारा जिला जुट जाता है, डीएम आ जाता है, एसएसपी आ जाता है, एमएलए आ जाता है, एमपी आ जाता है, और मैं झुंझुनू जिला है राजस्थान में, मेरी बहुत रिश्तेदारियां हैं, कोई गांव नहीं है वहां का जिसके दरवाजे पे शहीद की मूर्ति नहीं है गांव के रास्ते के बाहर, लेकिन उस दाह संस्कार के बाद उस बेवा और उस बच्चे को पूछने के लिए कोई नहीं जाता है। और ये जो मैं बताए 14 तल्ले के मकान वाले, ये कोई एक पैसे की चैरिटी ना एजुकेशन के लिए करते हैं, ना फौज के लिए करते हैं, ना सिपाहियों के लिए करते हैं, ना नौजवानों के लिए करते हैं। दुनिया के सब बड़े लोग, चाहे वो लॉर्ड गिल्डोफ हों, म्यूजिक के लोग हों, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वाला हो, सब लोग अपनी पूरी आमदनी का बड़ा हिस्सा चैरिटी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का जो अमीर है मैं उसको इंसान भी नहीं मानता, मैं उसको सड़े हुए पोटैटो, सड़े हुए आलू की बोरी की जगह मानता हूं। तो सतपाल मलिक ये कह रहे हैं कि मैं उन उद्योगपतियों को, उन मालदार लोगों को, उन अरबपतियों करोड़पतियों को आलू के बोरे की तरह समझता हूं जो किसी काम के नहीं है, सड़े हुए आलू की तरह। दरअसल हमारे देश में एक बड़ी त्रासदी ये है कि यहाँ जो उद्योगपति हैं और यहाँ की जो व्यवस्था है उन दोनों में एक साठ गांठ है। सरकारें चाहे जिस किसी की भी हों आती जाती रहती हैं, लेकिन उद्योगपतियों के साथ सरकारों का एक ऐसा रिश्ता बन जाता है कि लगातार अमीर अमीर होता चला जाता है और गरीब गरीब होता चला जाता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है हिंदुस्तान, जिसकी आबादी 135 करोड़ के आसपास है। गरीब किस तादाद या संख्या बढ़ती जाती है, अमीर की तादाद भी बढ़ती है, तो दुनिया में जब आंकड़ा दिखता है तो लगता है कि अरबपतियों में भारत के लोग भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे कहीं बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में गरीब बढ़ते हैं। उद्योगपति में जो सबसे ऊपर का नाम आता है मुकेश अंबानी का, हिंदुस्तान के सबसे धनी व्यक्ति माने जाते हैं। उनकी बेटी की शादी जब पिछले साल थी तो उस शादी में 723 करोड़, यानी ईशा अंबानी की शादी में ऑन रिकॉर्ड 723 करोड़ रुपए खर्च किए गए, ऑफ रिकॉर्ड यह बहुत ज़्यादा होगा। ऑक्सफैम एक एजेंसी है जो दुनिया के 90 देशों में काम करती है, 17 अलग अलग संगठनों का वो साझा मोर्चा है, गरीबी भुखमरी और असमानता के खिलाफ एक लड़ाई लड़ती है। ऑक्सफैम का जो ताज़ा आंकड़ा है वो ये कहता है कि हिंदुस्तान में जो उद्योगपति हैं, करोड़पति हैं, उनकी आमदनी 33% की रफ्तार से बढ़ी, यानी अगर आपके पास 1 करोड़ है तो 1,33,00,000 रुपए आपके साल में हुए, और जो 50% गरीब लोग हैं हिंदुस्तान के, उनकी जो जायदाद है उसमें 3% का इजाफा हुआ, यानी कि 10 रुपये वाले 100 रुपये अगर मेरे पास हैं तो मुझे 3 रुपये मिले साल में, और आपके पास 10,00,000 रुपये हैं तो आपको 30,000 रुपये मिले। अब 3 रुपये और 30,000 रुपये का जो फासला है, यही फासला भारत में गरीबों और अमीरों का है।
अमीरों के ऊपर एक जिम्मेदारी बनती है कि जब देश के संसाधन साधन और यहाँ के लोगों के जो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन भी, यहीं के मजदूर, यहीं के कारीगर, यहीं के मैनेजर, यहीं के लोग, यहीं का किसान, इन्हीं के बूते आप लगातार कमाते चले जाते हैं, पैसा पीटते चले जाते हैं, उस समाज और उस देश के लिए आपका फर्ज बनता है करना। अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपति अगर CSR छोड़ दें, जो कि कानूनन एक जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसमें बहुत घालमेल होता है, समाज के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है बतौर कंपनी, वो 2% आप अपनी आमदनी का लगाते हैं, वो किस तरीके से लगता है और कहां कहां लगता है, उसका पूरा नेटवर्क क्या है, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए उस पैसे में खोट है, वो समाज के काम नहीं आता है, वो गरीबों की मदद नहीं कर पाता है। इसलिए जिन लोगों की मंशा और नीयत ठीक है, उन लोगों के द्वारा जो कुछ भी होता है उसी का फल आप देखते हैं। लिहाजा मैं चाहता हूं कि यहां उन उद्योगपतियों का भी जिक्र हो जो इस देश में पैसा कमाते हैं और इस देश की खातिर उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। अजीम प्रेम जी का मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग मेरी तरह के हैं जो उनके प्रति सम्मान रखते हैं। इस देश में वो दूसरे तीसरे नंबर के उद्योगपति हैं, लेकिन आप यह मान लीजिए कि एक आंकड़ा कहता है कि अजीम प्रेम जी ने $21 अरब दान दिया है अभी तक, और $22 अरब के वो आज भी मालिक हैं, यानी आधी संपत्ति उन्होंने दान की है, अपनी आमदनी का आधा हिस्सा वो दान करते हैं, यानी कि देश में गरीबों और कमजोरों के उत्थान के लिए, उनकी पीढ़ियों की बेहतरी के लिए खर्च करते हैं, फिर भी वो $22 अरब के मालिक हैं और देश में दूसरे बड़े उद्योगपति हैं। यानी कि उन्होंने अगर दान नहीं किया होता, देश के लोगों के काम में अपनी आमदनी का इस्तेमाल नहीं किया होता, तो वो सबसे बड़े उद्योगपति होते इस देश के। लेकिन उन्होंने बेहतरी और नेकी का रास्ता चुना, अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए अपने बूते कमाई गई संपत्ति के इस्तेमाल का रास्ता चुना। इसलिए अजीम प्रेम जी का नाम बार बार लोग लेते हैं। वैसे ही आप देखिए नंदन निलेखनी को, नंदन निलेखनी, उनकी पत्नी रोहिणी निलेखनी, इन दोनों पति पत्नी ने अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा हर साल लगातार खर्च किया है समाज पर, देश पर और गरीबों में। इन दोनों ने जो वॉरेन बफेट और बिल गेट्स का प्लेज है गिविंग का, उस पर दस्तखत कर रखे हैं, और इस दस्तखत का मतलब ये होता है कि जो भी आप कमाएंगे उसका आधा आप दान देंगे, और ये दोनों पति पत्नी ऐसा करते हैं। उसी तरीके से नारायण मूर्ति हैं, आप नारायण मूर्ति का नाम जानते होंगे, इन्फोसिस के फाउंडर रहे हैं, इन्फोसिस फाउंडेशन चलाते हैं। नारायण मूर्ति भी, उनकी पत्नी, दोनों पति पत्नी एक बड़ी रकम अपनी आमदनी का इस देश में गरीबों के लिए, इस देश की बेहतरी के लिए और इस देश को मजबूत बनाने के लिए खर्च करते हैं। ये दरअसल एक ऐसी परंपरा है जिसके उदाहरण आप ज़्यादा देखते हैं अमेरिका और ब्रिटेन जैसे लोगों में। अमेरिका में बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं, बहुत बड़े उद्योगपति, दुनिया के सबसे मालदार या सबसे संपन्न उद्योगपति नंबर वन माने जाते हैं, और वो अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा बिल गेट्स फाउंडेशन के जरिए दुनिया और अमेरिका में खर्च करते हैं, कमजोरों पर, लाचारों पर, बीमारों पर, बुजुर्गों पर, यानी कि समाज के उस तबके पर जिसको मदद की जरूरत होती है और जिसकी मदद से बहुत सारी मुश्किलें समाज की आसान होती हैं, वहाँ खर्च होता है। वॉरेन बफेट के साथ भी ऐसा ही है, और अमेरिका में इस तरह के बड़े उद्योगपतियों में एक चरण आप देखेंगे कि वो अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा ईमानदारी से, ईमान समझ करके, अपना धर्म समझ करके वो खर्च करते हैं। एक आंकड़ा कहता है कि ब्रिटेन में 73% लोग, बल्कि 75% लोग ऐसे हैं जिनमें दान देने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि वो अपने कमाए हुए से दूसरों की मदद करना चाहते हैं और उसकी संभावना गुंजाइश टटोलते हैं। जहां कहीं भी कोई आदमी गरजमंद दिखता है उसकी वो मदद करते हैं। न्यूजीलैंड में लगभग 73% लोग ऐसे हैं जो मदद करना चाहते हैं और जरूरत के वक्त वो मदद करते हैं। यूरोप के बहुत सारे देशों में जो लोग समर्थ हैं, संपन्न हैं, वो यह मानकर चलते हैं कि हमारी जो अपनी ज़रूरतें हैं इसके इतर समाज की खातिर, देश की खातिर भी हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं और उनको पूरा करना चाहिए, वो करते हैं।
लेकिन हमारे मुल्क में नियम की ऐसी तैसी करके सरकार और व्यवस्था के साथ साठ गांठ करके अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके माल कमाया जाता है, देश को ऐंठा जाता है, लूटा जाता है और उस लूटे हुए पैसे का पाई पाई जमा कर दिया जाता है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में जिसको टैक्स हेवन कहते हैं वहाँ तक भेज दिया जाता है यह काला पैसा। लेकिन देश में जो गरीब है, जो ज़रूरतमंद है, जो कमज़ोर है, उस पर खर्च नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे, बल्कि इस देश में 8 करोड़ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल का मुंह नहीं देखते क्योंकि माँ बाप के पास पैसे नहीं होते। उन बच्चों के जरिए हिंदुस्तान का भविष्य उज्जवल हो सकता है अगर उनको शिक्षा दी जाए, अगर उनको सही रास्ता दिया जाए तो उनके भीतर भी बहुत सारी प्रतिभाएं होंगी जिनका इस्तेमाल देश की बेहतरी और विकास के लिए किया जा सकता है। और यह पैसा है लेकिन इस्तेमाल नहीं होता है। एक और मानसिकता है, यह हमारी सरकार की है। जब हम इस तरह से मंशा की बात करते हैं, बेईमानी की बात करते हैं, गलत तरीके से अपने बारे में सिर्फ सोचते रहने और उसके बाद कुछ ना सोचने की मानसिकता की बात करते हैं, तो 2-3 बातों का जिक्र करना जरूरी है। जैसे उद्योगपतियों का जिक्र मैंने किया, इनकी आमदनी का जिक्र मैंने किया कि 39% की रफ्तार से इनकी संपत्ति बढ़ती है और 3% की रफ्तार से देश में जो सबसे गरीब है उस 50% की आमदनी बढ़ती है। आपको पता है हिंदुस्तान में जो सबसे गरीब आबादी है उसका जो 50% है, उसकी जो कुल जायदाद है 9 अमीरों की जायदाद के बराबर है। अंदाजा लगाइए, यह हमारे यहाँ समानता है और ये बढ़ती चली जा रही है क्योंकि हमने उद्योगपतियों को लगातार शह दिया है। उनको ये मान लिया है कि यही हिंदुस्तान की किस्मत बनाने वाले लोग हैं, कर्णधार हैं, और वो ऐसे नहीं हैं। उनमें उतना शऊर नहीं है, वो संस्कार नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान की समस्या एक कारण यह भी है। दूसरी बात जो मैं कह रहा था वो सरकार के स्तर पे है। जो अनाज की पैदावार हमारे यहाँ होती है, आपको पता है कि हमारे यहाँ जो अनाज पैदा होता है और जो भूख से लोग मरते हैं, यह दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। अनाज हमारे यहाँ होता है, भूख से मरने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई कारण नहीं है। हमारे यहाँ अनाज 91,000 करोड़ रुपए का, 1,00,000 करोड़ मानकर चलिए, बर्बाद हो जाता है भंडारण के चलते। सरकार ने स्टोरेज का इंतज़ाम आज तक नहीं किया है। खेतों में सड़ जाता है, बाहर जो अनाज रहता है बारिश होती है ख़राब हो जाता है। स्टोरेज की जो व्यवस्था है उसमें कुछ अंदर है, कुछ बाहर है, कुछ चूहे खा जाते हैं। इस तरीके से हम अनाज बर्बाद करते हैं और यह 1,00,000 करोड़ का अनाज होता है। अगर आप यह समझें तो पूरा ब्रिटेन जितना अनाज पैदा करता है उतना भारत बर्बाद करता है। इतने अनाज से बिहार जैसा बड़ा राज्य, 10 करोड़ का राज्य है, 1 साल तक पेट भर सकता है, खा सकता है। इतना अनाज हम बर्बाद करते हैं। एक आंकड़ा यह है कि 10,00,000 क्विंटल, बल्कि मैं आपको वो आंकड़ा मेरे पास होगा, 10,00,000 टन प्याज और 22,00,000 टन टमाटर खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टोरेज की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, भंडारण का नहीं है। फिर किसान प्याज 50 पैसे किलो बेचता है, 1 रुपये किलो बेचता है, रोता है, कलपता है, कर्ज में चला जाता है। भंडारण की व्यवस्था होती तो समय पर प्याज की बिक्री होती, किसान को सही दाम मिलता। लेकिन सरकारों की काहली और निकम्मापन देखिए कि आप आज तक अनाज जो किसान पैदा करता है, फल सब्जी जो पैदा करता है, उसके भंडारण रख रखाव की व्यवस्था नहीं कर पाए और ऊपर से भूख का सवाल आपके देश में खड़ा रहता है। भूख से भी लोग इस देश में मरते हैं। हम 21वीं सदी में आसमान छूना चाहते हैं। दूसरी बात वो ये है कि हम जो खाना बर्बाद करते हैं, ये हमारा मानस है कि हम घर में खाना खाते हैं, होटल में खाना खाते हैं, हमको जितनी भूख होती है उससे ज़्यादा मंगाते हैं, खाते कम हैं, फेंकते ज़्यादा हैं। और जितना हम फेंक देते हैं वह भी 91,000 करोड़ का होता है साल में। बच्चे जितने भूखे इस देश में रहते हैं उस आबादी से, उस तादाद से कहीं ज़्यादा तादाद की भूख मिटाने का अनाज हम फेंकते हैं, ख़राब कर देते हैं, थाली से हटा देते हैं। ये हमारा संस्कार है।
यानी कि सरकार हमारा अनाज नहीं बचा पाती है, हम जो खाते हैं उसको नहीं रख पाते हैं, बचा पाते हैं, या ज़रूरत भर खा करके जो ख़राब हुआ अनाज है, खाना है, उसके इस्तेमाल का नहीं सोचते हैं, हम भूखों को नहीं देते हैं, और जो उद्योगपति है वो अपना पैसा लगातार बनाता चला जाता है, ऐंठता चला जाता है, देश को लूटता चला जाता है, लेकिन ना तो सैनिकों पर खर्च करता है, ना गरीब बच्चों पे खर्च करता है, ना रिसर्च पे खर्च करता है, ना किसानों पे खर्च करता है, वो एक फैक्ट्री के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी खड़ा करता चला जाता है। इस देश में किसी भी आदमी के कमाने और लगातार कमाते चले जाने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन आपकी आमदनी का कितना हिस्सा समाज पर खर्च होगा इसकी सीमा एक मामूली सी कानूनन तय कर दी गई है, जो CSR के जरिए बहुत सारे जुगाड़ को अपना करके कंपनियां पूरा कर लेती हैं, उससे कुछ नहीं बनता है। इसलिए सतपाल मलिक जो कहते हैं कि ये 14 मालिक की अटारियों में, 14 तल्ले के मकान में जो उद्योगपति हमारे देश के रहते हैं, जिनके एक फ्लोर पे कुत्ता रहता है, एक फ्लोर पे ड्राइवर रहता है, ये लोग सड़े हुए आलू के बोरे की तरह हैं जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है देश के लिए। ये सही है, सही यह भी है कि अगर हम खाना बर्बाद करते हैं तो हम ठीक नहीं हैं, उस खाने का इस्तेमाल हमको करना चाहिए उन बच्चों के लिए, उन परिवारों के लिए जो भूख हैं, जिनके सामने रोटी एक सवाल है। और सरकार अगर सब्जी, फल, अनाज भंडारण के जरिए बचा नहीं पाती है तो उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है, उसके सारे दावे खोखले हैं, उसके सारे वादे बेकार हैं। इसलिए किसी भी देश में जब संचय और उस संचय का सही उपयोग, व्यय और अपव्यय, तो संचय, व्यय, अपव्यय, इन तीनों का आपस में तार जुड़ता है, और व्यय का एक संस्कार होता है, अपव्यय की एक मानसिकता होती है, मेरे पास पैसा है तो मैं उसका इस्तेमाल कितना करूंगा और उसके बाद और कितना कहाँ करूंगा, यह मेरे पास एक संस्कार के जरिए ही समझ में आना चाहिए और आता भी है। अपव्यय भी एक मानसिकता होती है कि हम कहीं करेंगे नहीं, हम कुछ भी कर देंगे, हम बेटी की शादी पर 750 करोड़ खर्च कर देंगे, हम एक रात की पार्टी में लाखों उड़ा देंगे, हम छोटी सी मीटिंग में अरबों खर्च कर देंगे। होती हैं, ऐसा नहीं खर्च नहीं होते हैं, होते हैं, लेकिन हम उनकी नहीं सोचते हैं जो हमारे समाज के हैं, हमारे देश के हैं, और हमारे देश समाज की तरक्की से वो जुड़े हुए हैं। इसलिए सतपाल मलिक की इस बात में दम है और पूरे देश को उनकी इस बात पर गौर करना चाहिए और शिद्दत से उसको समझना और अपने व्यवहार में उसको उतारना चाहिए। We'll be right back.